स्टार एक ऐसा शो जो दे रहा है एक्सप्रेस टिकट टू स्टारडम उन प्रतिभाशाली युवाओं को जिनमें है अपार संभावनाएं अपनी अभिनय प्रतिभा दिखाकर दुनिया पर छा जाने की। हमने यूपी और बिहार के कुल 10 शहरों में ऑडिशंस किए। जो लोग मुझे पागल समझते हैं, मैं पागल हूँ नहीं। है अम्मा, तुमको पता है हमारी छोकरी बहुत सुंदर है, बिल्लन टॉप। पीने के बाद मेरे अल्फाज उमड़ उमड़ के बाहर आते हैं। और सर, बीवी बहुत परेशान। अरे सीना पे गौली और मुंह पे ठिठोली, अरे कुत्तों का मीनो ई है मर्दों की टोली। मोहब्बत तो खुदा ने भी की है, उसने भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना महबूब बनाया है। मार डाला। मुझे इतना बताया गया LLDF की फुल फॉर्म क्या होती है? लटक लटक के दूसरी फेल। ये तो मेरी सीट है, समझा तू? मेरी सीट है अकलो, समझा? जहां हमें मिले कुछ चुनिंदा स्टार्स जिनकी परफॉर्मेंसेस ने जजेस को इम्प्रेस कर दिया। जो टैलेंट यहां आया है वो लोगों की आंखें खोल देगा। और अलग अलग शहरों से कुछ ऐसे ही कलाकार अपने साथ लिए हम आज आप पहुंचे हैं मेगा ऑडिशन में। अब कितनों के हाथ लगेगा स्टारडम का टिकट और मंजिल के नजदीक पहुंचकर किनके सपने पूरे नहीं हो पाएंगे, आइए देखते हैं बिग फेम स्टार के मेगा ऑडिशन में। नमस्कार और आप सबका स्वागत है बिग फेम स्टार के मेगा ऑडिशंस में। आज हम अपने साथ जितने भी कंटेस्टेंट्स को हमने चूज किया था, चुना था, उनमें से 24 कंटेस्टेंट्स को गाला ऑडिशंस के लिए आगे लेकर जाएंगे। यानी कि 12 लड़के और 12 लड़कियां। बिल्कुल, फैसले की घड़ी है और अग्नि परीक्षा है उन सभी कंटेस्टेंट्स के लिए जो कि अपना चुनाव पाकर यहाँ पर पहुंचे हैं। आपको मैं बता दूँ सभी कंटेस्टेंट्स को कि आपके पास आज सिर्फ 1 मिनट का वक्त होगा अपनी प्रतिभा का परिचय देने के लिए। तो बुलाते हैं अपने पहले कंटेस्टेंट को, आइए सृष्टि महेश्वरी। माय नेम इज सृष्टि महेश्वरी, मैं बरेली से हूँ। मुझे एक्टिंग का शौक थिएटर की वजह से लगा। मैंने बहुत सारे काम किए हैं बाहर, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इसलिए मैं आज आप सबके सामने हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी आगे बढ़े और एक बहुत बड़ी स्टार बने। भगवान से प्रे करती हूँ कि मेरी बेटी का सिलेक्शन हो जाए। प्लीज प्रे फॉर मी एज माय पेरेंट्स आर डूइंग। सृष्टि ने बरेली ऑडिशन में तो जजेस को इम्प्रेस कर दिया था, पर क्या आज मेगा ऑडिशन में वो लकी साबित होंगी, इसका पता तो आगे ही चल पाएगा। तो क्या लेकर आई हैं? पिछली बार तो आपके एक्ट में बहुत ड्रामा। मेरे प्यारे पति देव राम प्रसाद जी, मैं आपको बहुत चाहती हूँ। आप मेरे लिए सब कुछ है, मेरी जिंदगी, मेरी आजादी, मेरे गीत और मेरी उड़ान। थैंक यू। और बहुत क्रिएटिव था। थैंक यू। इस बार भी मेरा खुद का लिखा हुआ एक्ट है, बट इस बार रियलिटी है। जो भी कुछ इज गोइंग ऑन इन आवर लाइक सोसाइटी, दैट आई वुड जस्ट वांटेड टू टेल एवरीवन दैट इट शुड नॉट बी देयर। चलिए चलिए, थैंक यू। ये गंदगी है ना, एक तवायफ का कोठा जहां तवायफ नाच रही है, इसे सुनना या देखा जाना सब गंदगी है। आज के समाज के सामने ये सब गंदगी है, तो ये आप मुझे समझाइए कि जो आप अपनी बेटी और बहनों के साथ कर रहे हैं वो क्या है? सोच में पड़ गए, भूल गए दामिनी, 16 दिसंबर 2012, उसकी क्या गलती थी? सिर्फ इतनी सी कि वो डॉक्टर बनना चाहती थी, या इतनी कि वो लड़कों की बराबरी करना चाहती थी, या फिर वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती थी? छोड़िए, आप लोग क्या जवाब देंगे? आप लोग तो कायर हैं। सिर्फ इस चीज को देख के आप गंदगी कहते हैं,
जो आप लोग कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, कुछ और भी है। आप लोगों को इससे चैन नहीं मिला तो एक 8 साल की बच्ची रिया के साथ भी वही किया। एक मासूम सी बच्ची जिसकी क्या गलती थी, सिर्फ गर्मियों की छुट्टी में अपने मामा के घर जाती, खिलौनों से खेलने की उम्र में वो मौत से खेल रही थी। क्या गलती थी उसकी? जवाब दे पाएंगे आप? आप जवाब दे पाएंगे? नहीं ना, क्योंकि आप सब कायर हैं। जब जवाब नहीं दे सकते तो ये गंदगी अपने घरों से क्यों नहीं खत्म करते? थैंक यू सृष्टि। ओह, वी आर गोइंग सो 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 फास्ट। आई लव दिस। वेट, आई हैव द अदर वन। तसव्वुर अली। तसव्वुर, ये तसव्वुर होता था, तसव्वुर। हाँ सर, वो तसव्वुर होना चाहिए, उसके माने ख्याल होता है। लेकिन माता पिता ने तसव्वुर रख दिया तो मान लिया। तो तसव्वुर और तसव्वुर साहब शुरू करिए। मिट्टी में से सिर उठाते नन्हे से पौधे पर बूट रखकर गुजर जाते हो तुम। तुम अनुशासन पाबंद हो, तुम्हें शुरू से ही नापसंद है इन नन्हे पौधों का यहां वहां बेवजह मिट्टी में से सिर उठाना। तुम्हें तो पसंद है योजनाबद्ध रूप से गमलों में लगाए गए किन्हीं खास किस्मों के पेड़। जब किसी किसान मजदूर की 5 साल की बेटी के साथ रेप, नहीं ये रेप बेटी का नहीं होता है, ये रेप होता है मानवता का और अपने अंदर छुपे हुए राक्षसपन का। कभी जीवन में ऐसी घटना घटे तो याद रखना कि हम पुरुष नहीं हैं, गिरे हुए। थैंक यू तसव्वुर। बुलाते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट को, कोमल सिंह। मैं तो बीच की हूँ लेकिन सबसे अच्छी हूँ। पापा कहते हैं कि मैं बहुत आगे तक जाऊंगी, लेकिन मुझे ब्याह करना है और ब्याह के लिए कोई आता ही नहीं। कहाँ तक पहुंची आपकी लड़के की खोज? अरे शादी हो गई है, मंगलसूत्र है तो मंगल। अच्छा 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 अच्छा, पार्ट टू। ये कंबक जजेस भी ऐसे, मतलब एक्ट भूलते ही नहीं ना। महीना महीना निकल जाता है, कोई और काम ही नहीं है कमबख्तों को। कोमल जी शुरू करो। मत कहिए मुझे महंत की पत्नी। वो भी एक आदमी है, उसका भी अपना घर परिवार है, पत्नी है। ये बात महंत को अपना कहने वालों को शुरू से ही रास नहीं आई। उसने ब्याह क्या किया, आप लोगों की नजर में आपसे ही आपका कुछ छीन लिया। मेरा महेंद्र अब पहले की तरह हंसता नहीं, मेरा महेंद्र अब पहले की तरह बात नहीं करता। महेंद्र अब वो महेंद्र सही ही नहीं गया। उसने जी जान से कोशिश की कि वो वही बना रहे किसी तरह। इसके लिए उसके अंदर रात दिन छटपटाता है, दीवारों से सर भड़कता है, बच्चों को पीटता है, बीवी के घुटने तोड़ता है। दोस्तों को फुर्सत का वक्त काटने के लिए उसकी जरूरत है। महेंद्र के बगैर कोई पार्टी जमती ही नहीं, महेंद्र के बगैर किसी पिकनिक का मजा ही नहीं आता। दोस्तों के लिए जो फुर्सत काटने का वसीला है वही महेंद्र के लिए उसका मुख्य काम है जिंदगी में। कमल, मोहन राकेश के आधे अधूरे को जो तुमने आज अलग रूप दिया है, बहुत अलग। मुझे तो ज्यादा बड़ी चीज ये लग रही है कि पिछला एक्ट जो तुमने किया था और उसके बाद आज जो तुमने किया है, इसे कहते हैं एक उड़ान। मतलब तुम, मैं सही मायने में कहूँ तो इसे कहूँगा कि यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड योरसेल्फ, यू हैव परफॉर्म्ड आउट ऑफ योर स्किन। बहुत अलग रेंडिशन है, बहुत लोगों ने एक्ट किया और इस तरह से नहीं किया हुआ। वेरी गुड, थैंक यू सो मच सो मच सो मच। जाओ। अगले कंटेस्टेंट हमारे नितिन अरोड़ा। उमंगो भरी उम्र है, पूरे आलम को फतेह कर देने के ख्वाब देखने की उम्र। मेरा नाम कर्नल सूरज सिंह है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द जनरल कोर्ट मार्शल।
क्या आपने कभी मौत को कन्फ्रंट किया है? शायद नहीं। मेरा सामना कई बार हुआ है मौत से, जंग के मैदान में भी और कोर्ट मार्शल के कमरों में भी। मैंने बहुत लोगों की जान ली है, मौत के घाट उतारा है, युद्ध में भी और कोर्ट मार्शल में भी, लेकिन ना तो कभी मेरा खून जमा और ना ही कभी उसमें आग लगी। शायद उन छड़ों में मेरी आत्मा में मेरे पूर्वज आ बैठते हैं। डीलर्स इन डेथ, दादी माँ की सुनाई हुई कहानियों के पात्र मेरी रूह का, मेरे जिस्म का हिस्सा बन गए हैं। नितिन, एक चीज मैं तुम्हें यहाँ पे हल्की सी कहना चाहूँगा। नितिन, थोड़ा अपने उच्चारण पे ध्यान देना। पूर्वज पूर्वज हो रहा था, वो छोटी छोटी चीजें, लेकिन तुमने परफॉर्म बुरा नहीं किया। थैंक यू। थैंक यू। भूपेंद्र प्रताप सिंह, चीते की तरह बेआवाज चलता हूँ और शेर की तरह दहाड़ कर छलांग लगाता हूँ। जान लेवा छलांग, प्राण घातक छलांग, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार नहीं लगा पाया मैं ये जान लेवा छलांग। क्या लेकर आए? सर, एक ग्रीक की त्रासदी है, शंशा एडिपस। एडिपस लेकर आए जी। शुरू करिए। है थीफ के मोहज्जिद लोगों, सुनो, जो कुछ अब तुम सुनोगे और जो कुछ देखोगे उसके लिए अपनी आंखों में आंसू भर लो। इस महल की चार दीवारी में जानबूझकर जो खौफनाक और मकरूह काम किए गए हैं उनकी गजालत इस्तर या फासिस के मुकद्दस पानी से भी साफ नहीं हो सकती। मलिकाए आलिया वफात पा गई, उसने अपने हाथों अपनी मौत को गले लगा लिया। उफ, वो खौफनाक मंजर। आप खुशकिस्मत हैं जो आपने उसकी मौत का अंजाम नहीं देखा। थैंक यू भूपेंद्र। बढ़ते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट की तरफ। तुम तो बेकसूर हो ना रजत, दोषी तो मैं हूँ रजत, है ना? इतिहास और मृत के पात्रों ने तुम्हें पूरा कब्जा कर लिया है रजत, तुम्हारे ऊपर। आप तैयार हैं? आप शुरू करिए। ओके सर। क्यों नहीं करनी चाहिए? वो ठीक ही तो कह रहा है। उन्हें किसी की परवाह है? किसी की परवाह नहीं। देखा जाए तो उन्हें तुम्हारी भी परवाह नहीं है, नहीं है तुम्हारी परवाह। क्यों, भूल गए कारगिल? भूल गए किस तरह शहीदों के कैसे कैसे कॉन्फिस्क का घोटाला हुआ था? जवानों के पास बर्फ में पहनने के लिए ठीक से कपड़े तक नहीं थे। अरे कपड़े तो पांव में पहनने के लिए मोजे तक नहीं थे। इंडिया में किसी को मालूम भी है? है किसी को मालूम कि नॉर्थ ईस्ट में कितनी स्टेट पड़ती है? आसाम, मेघालय, शिलांग, इंफॉल कहां है? कौन किसकी राजधानी है? कोई नहीं जानता। थैंक यू सर। अब तक सृष्टि, तसव्वर, कोमल, नितिन, भूपेंद्र और निशा अपने एक्ट्स जजेस के सामने रख चुके हैं, पर इनमें से कौन आगे जा पाएगा हम बताएंगे आपको बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे अगले कंटेस्टेंट हैं रोशन राजेश चौहान। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं मेन ऑडिशन में पहुंचा हूं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं रॉक कर हिला दूं, जजेस को खुश कर दूं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज तुम स्वामी हो, अंतर्यामी हो, दिलों के भेद जानते हो, जेबों में छेद जानते हो, जूतों में हो, स्टील में हो। महाराज आत्मसम्मान हो, जीने तमान हो, शक्तिमान हो, बल्कि मैं तो कहता हूं तुम जेंट्स नहीं इंटेलिजेंस हो। महाराज तुम धनुष से निकला वो तीर हो जिसकी कोई दिशा नहीं, तुम मुंह से निकला वो शब्द हो जिसकी कोई वजह नहीं, तुम गीले में सूखा हो, सूखे में गीला हो। कौन यार तुम, क्यों क्यों डरा रहे हो? महाराज मैं आपका ठेकेदार हूं। महाराज तक लिया? महाराज मैंने कुछ नहीं लिया। अरे बेवकूफ, तक लिया मतलब गेट लॉस्ट, जाओ। अरे नहीं महाराज, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं वो ठेकेदार नहीं हूं। मैं तो वो ठेकेदार हूं जो आपकी सोच आपके राज्य के हर एक मनुष्य को बेचता है
और आपकी थोड़ी सोशली कॉमन सी एक्सेप्टेड चीज़ें उनकी दिमाग में घुसेड़ने की कोशिश करता हूँ ताकि वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही सोचे और आपकी तरह ही सोचे। दैट्स गुड। क्या बात है, ऐसा सोचने दो। राज्य की हर एक सिटीजन की सोच हमारे जितनी महान हो और सब एक जैसा सोचने लगे तो राज्य में सामूहिक एकता होगी। ठेकेदार जी, I'm proud of। आप हमारे सबसे रिस्पॉन्सिबल कमिटेड इंटेलिजेंट सिटीजन हो, एक मददगार पड़ोसी हो। ठेकेदार जी, आपने सब जो बस गुरु बस बस अरे कितना दिखाओगे यार। एक चीज है, तुम्हारी क्लैरिटी नहीं जाती। हाँ। तुम जितना भी तेज बोलो, तुम अपनी आवाज में जो भी फेर बदल करो। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कुर्ता भी लेकर आकर सोचना पड़ेगा तुम्हारे बारे में यार। सिमरन सिंह आइए। इट्स ओके डैड, मैंने जो सुना वो सच ही तो है। आप क्यों मुझे एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहे हो? ये हकीकत है, मैं जानती हूँ ये हकीकत है कि आपको मेरी वजह से शर्मिंदगी महसूस होती है। नमस्ते। नमस्ते। कैसे ऐसे लगा हम आए हैं आपके देश। नमस्ते। चलिए, हमें आपके बच्चे के दिल की धड़कन सुनाई नहीं दे रही है। आई एम सॉरी, योर बेबी इज नॉर्मल। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्या मैंने सही सुना? पहले मुझे लगा वो किसी और से कह रहे हैं, शायद मेरे बगल की बेड वाली औरत से। बेचारी, मुझसे? फिर तो जरूर मशीन खराब हो गया होगा। मैं मेरा बच्चा मेरे अंदर अभी भी महसूस कर सकती हूँ। अरे आज सुबह तो मैंने उसकी धड़कनें सुनी थी और अब ये कह रहे कि मेरा बच्चा मर गया। फिर से चेक करो, फिर से, मैंने चिल्लाया। उन्होंने मेरे पेट पे फिर से मशीन लगाई और हमें धड़कनें सुनाई दी। धीमी थी पर थी जरूर। देखा, मैंने कहा यह आपकी धड़कन है, आपके बच्चे की नहीं। मेरी धड़कन मेरे बच्चे की नहीं। मैं चुप हो गई। मेरे बच्चे के लिए देखे गए मेरे सारे सपने बिखर गए। मेरे पास कोई शब्द ही नहीं थे उस एहसास को बताने के लिए। सिमरन, टाइम अप। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सोम चौहान जी, गौर से देखिए इस खतरनाक दरिंदे को। ये जितना मासूम और शरीफ दिखाई देता है उतना ही खतरनाक और वैश्य दरिंदा है ये। और मेरे काबिल दोस्त एक ऐसे दरिंदे को बचाना चाहते हैं जिसने 12 साल की लड़की का बलात्कार किया और बड़ी ही बेदर्दी से उसका कत्ल कर दिया। जी सर। पुरुलिया। तुमसे तो बंदूक लेकर आएंगे गुरु। अरे गुरु, तुमने जो है कुछ ना कुछ तो ढापा है, मैं जानता हूँ। चलो भाई, जो भी है सोम। हाँ जी, शुरू करो, दिखाओ। वो डॉक्टर साहब, क्या है ना कि पिछले गुरुवार को मैंने खुद की जान लेने की कोशिश की। कोई खास वजह नहीं है, कोई तनाव भी नहीं है, मन ऊब गया है। मोर्शरी, लाशें, घर थाना, थाना घर, घर थाना। आए दिन अपनी कमीज से खून के धब्बों को साफ करना। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, अब पुलिस की नौकरी की है तो इतना तो करना पड़ेगा ही। एक अजीब सी उलझन है मन में, अजीब सी, जैसे नया दिन निकलता है, नई रात होती है, लेकिन मैं वही पुराना, दुनिया वही पुरानी, वैसे ही चली जा रही है। तो मैंने सोचा भाई कि जो जिंदगी की गाड़ी है इसकी चैन खींचता हूं और उतर जाता हूं। 3 कारण है। पहला कारण कि जो बंदूक हमें मिलती है वो सरकारी होती है और उसकी गोली 45 रुपए की आती है। तो मैंने सोचा कि अपना चैन खरीदने के लिए मैं पब्लिक का पैसा क्यों बर्बाद करूं। अब तक राजेश, सिमरन और सोम के साथ ही सृष्टि, तसव्वर, कोमल, नितिन, भूपेंद्र और निशा, इन सब की परफॉर्मेंसेस आज जजेस ने देख ली। अब बस वक्त आ चुका है निर्णय का कि इनमें से कौन होंगे वो जो जाएंगे गाला ऑडिशंस में। जानने के लिए आप बने रहें हमारे साथ, हम बस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आते हैं अपने
अगले कंटेस्टेंट को आइए सचिन जोशी। मुझे पता है आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि ये ऑडिशन पीकर देने आया, तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि पीने के बाद मेरे अल्फाज उमड़ उमड़ के बाहर आते हैं। बड़ा परशुराम टाइप कैरेक्टर लग रहे हो। स्टेज तुम्हारा है, शुरू हो जाओ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। चंद्र संध्या प्रातः काल तीनों दंड लोकपाल हमेशा हमेशा करेगा काल फिरा छूछू। अच्छा मैं ऐसा आदमी जो मुर्दे को जिंदा और जिंदे को मुर्दा बना सकता, अगर चलते हुए मुर्दे से राख निकाल कर मारूं तो भस्म हो जाए। उससे बचकर रहना बच्चा, बचकर रहना। ए बालक इधर देख, उधर क्या देखता है, इधर देख। अगर इस महाशिवरात्रि पर तूने काल भैरव को दिया हुआ वचन पूरा नहीं किया तो महाप्रलय होगा, महाप्रलय होगा, तांडव होगा, तांडव होगा, नटराज का तांडव होगा, तांडव होगा। और तेरा नाश ही नहीं सर्वनाश होगा। सचिन 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 वो कॉस्ट्यूम यूज करना है नेक्स्ट वाले में, जल्दी से। क्या नाम है? भूपदेव। उम्र है 40 साल। कितनी? 40 साल। रंग गोरा चिट्टा। गोरा कहां से दिख रहा हूं भाई? रंग है सांवला। अब भाई अपने बारे में कुछ बताता हूं। भैया खाने का बहुत शौक है। अब खाने की बात करते हैं तो पहले अपने हिंदुस्तान की बात कर लेते हैं। भैया साउथ इंडियन खाना, आ हा हा हा, क्या बनाते हैं, क्या सचिन, बनाते हैं? सचिन 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 थैंक यू। आज की सारी परफॉर्मेंसेज हो चुकी हैं, सभी के मन में डर था और सभी इंतजार में थे फाइनल रिजल्ट के। वक्त आ गया था जब जजेस ने घोषणा की अंतिम परिणाम की। मैं बिग फेम स्टार बनूंगी और बनूंगी और बनूंगी। मेरी बहन ही बिग फेम स्टार बनेगी। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मुझे ये गोल्डन टिकट मिल चुकी है और शायद फाइनल्स तक पहुँचूँ। तो ये थे वो प्रतिभागी जिन्हें मिल चुकी है एंट्री सीधे गाला राउंड में। इनका साथ कितने और दे पाते हैं ये जानेंगे कल के एपिसोड में। आप देखते रहें बिग फेम स्टार।